हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो ये देख रहे हो भाई, कैसे विकास भाई है कोई, ठीक है। उसका 550 था और उसको बीए पॉलिटिकल ऑनर्स मिला। गाइस, ये कोई व्लॉग नहीं है और ये वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो ना ध्यान से सुनना। इसके अंदर मैं बात करूंगा हमारे सीयूटी के बारे में, ठीक है। और जो भाई मैंने पहली जंग मैंने लड़ी थी सीयूटी के ऊपर, तो भाई मेरा तो ओपिनियन बनता ही है सीयूटी के ऊपर देना, ठीक है। भाई मैंने पहली जंग लड़ी थी जैसे तुम्हें पता, और अभी भी एक जंग लड़ा हुआ। देख रहे हो भाई, गर्मी से पसीना कितना, और बाहर से आया हूँ भाई मैं अभी अभी। मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कैसे मुझे श्री अरबिंदो कॉलेज मिला, और वो भी पहले सीयूटी अटेम्प्ट में, ठीक है। मैंने जैसे नहीं पता भाई, मैं अभी थर्ड ईयर में आ गया हूँ और सीयूटी अभी दो साल मतलब हो चुका है, दो साल ये तीसरा साल चल रहा है, और भाई खत्म हो गया, सारे पेपर खत्म हो चुके हैं सीयूटी के, और रिजल्ट आएगा भाई 30 तक बोल रहे हैं, सब आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने प्रेफरेंस शीट पे कैसे भरा था, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस शीट हो रहा है तो मैं बताता हूँ प्रेफरेंस शीट पे कैसे कैसे मैंने कॉलेज भरा था और कैसे मुझे श्री अरबिंदो कॉलेज कौन से कट ऑफ में मिला, तो सुनते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई, जब सीयूटी स्कोर आया था मेरा, तो मेरा सीयूटी स्कोर 600 था, ठीक है। 600 था और भाई फिर मेरा सीयूटी स्कोर 600 था, तो मेरे को लगा भाई मेरे को तो नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा आराम से। तो फिर मैंने उसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो भाई कैसे कैसे मैंने मतलब टिक किया था, ठीक है, कि कैसे कैसे कॉलेज के लिस्ट है कि जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, जिसमें मतलब है कि मैंने फाइनल में आया था कि ये भाई मेरा रहेगा कॉलेज का। तो देखो भाई, हिंदू कॉलेज सबसे पहले मैं रखा था, पहले फर्स्ट ऑफ पे हिंदू कॉलेज रखा था मैं, ठीक है। मेरे को था कि नॉर्थ कैंपस में हो जाएगा हिंदू कॉलेज में, ठीक है। फिर स्टीफन कॉलेज था, स्टीफन कॉलेज मेरे को लगा कि हो जाएगा, तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी थी कुछ, लेकिन भाई मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, ठीक है। मेरी प्रेफरेंस लिस्ट सारी बेकार गई, ठीक है। मैंने बहुत सारे गुरुजी से वीडियो देखी, कुछ गुरुजी की वीडियो देखी कि तुम ये डाल दो, पर भाई बेकार रहा। तो भाई मुझे श्री अरबिंदो कॉलेज मिला आखिरी, जब सारे राउंड खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, और आखिरी जब था, जब कॉलेजेस के सीट बचे थे, तब मुझे जाकर श्री अरबिंदो कॉलेज मिला। बल्कि 600 स्कोर था मेरे को, बी इंग्लिश ऑनर्स मिला श्री अरबिंदो कॉलेज के अंदर, और मैं आज थर्ड ईयर में हूँ। मैं बताऊँ, जैसे जैसे प्रेफरेंस लिस्ट तुम भरो, मैं तुम्हें टिप देना चाहता हूँ कुछ कि भाई तुम्हें कैसे भरना चाहिए। मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ, अगर तुम्हें सच में ना मतलब तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई मेरे को सीयूटी स्कोर देना है और अच्छे से भरना है, तो भाई मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दूंगा कि तुम ऐसा करो भाई कि पहले तो तुम ना अपने स्कोर देख लो, और देख लो कि कट ऑफ में कैसे कैसे मतलब कोर्सेज के हिसाब से कट ऑफ निकलते हैं। जैसे बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में कट ऑफ बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। बल्कि मैंने एक अपने आंखों से कट ऑफ, तो ठीक है मैं जनरल कैटेगरी में की बात कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज में मतलब जब आखिरी राउंड था, बिल्कुल खत्म वाला राउंड था, उसके अंदर जब तुम्हारे सारे राउंड खत्म हो जाएंगे ना, एक और राउंड होगा, जितने सीट बचे होंगे उतना अलॉट करने होगा, तो भाई उसके अंदर एक बंदे का सीट निकला था, उसके पता कितना, 550 था, विकास भाई है कोई, ठीक है, उसका 550 था और उसको बीए पॉलिटिकल ऑनर्स मिला, ठीक है, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स मिला, अब तुम समझ सकते हो। तो भाई ये ना एक तरह से किस्मत का भी गेम है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये किस्मत का भी गेम है। अगर भाई देखो तुम्हें, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी ना, मिल जाएगा, मान लो 600-700 बंदों के आए, 700-700 स्कोर आए थे और बंदों का एडमिशन नहीं हुआ, अब मानोगे 700-700 आए, 600 आए, एडमिशन नहीं हुआ बंदों का। उस समय तो भाई ऐसा था कि कुछ पता भी नहीं था हमको कि कैसा क्या है कैसे क्या है, लेकिन उस समय 600 बंदों का था और एडमिशन नहीं हुआ, 650 थे, यहाँ तक कि 650 थे एडमिशन, और कहीं कहीं का देखा मैंने 250 पे हो गया हिंदी ऑनर्स, 250 पे हो गया हिंदी ऑनर्स। तो भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अगर सबसे कम आया, मान लो कि तुम्हारे 500 से कम आया, ठीक है, 500 से कम आया, 500 से अगर तुम्हारा कम आया, तो भाई देख लो, तुम्हें ना मैं प्रेफर करूंगा कि ऑफ कैंपस के कॉलेज डालो। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, अगर तुम्हें 500 से आया ना 500, तो तुम्हें ऑफ कैंपस के कॉलेज पहले डालने चाहिए। अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए और कॉलेज मैटर नहीं करता, कोर्स मैटर करता है, तो ठीक है, तुम्हें कॉलेज अगर अच्छा चाहिए, देखो अब श्री अरबिंदो कॉलेज जब मैं गया था भाई, तुम मानोगे नहीं कैसा टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरा टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज देखो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, बेसिकली सारे वॉल, यहाँ तक कि जब हम गए थे ना पहले दिन, तो वॉल हमने देखा तो ऊपर से पत्थर गिरा,
वॉल टूट के, तुम सोच सकते हो हमने हम कितने डिप्रेस हो गए होंगे उस समय जब हम पहली बार गए होंगे और हमने देखा होगा कि वॉल टूट रही है, कैसे कॉलेज में एडमिशन हो गया। और आज देखो, आज सच में हमारा कॉलेज अच्छा हो गया सारे। और मैं खासकर अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट की तारीफ करूंगा, श्री अरविंदो कॉलेज भी अच्छा है। अगर तुम श्री अरविंदो कॉलेज अपने पर्सनल लिस्ट पे डालते हो BA पॉलिटिकल ऑनर्स में, इंग्लिश ऑनर्स में, BCom में, तो भाई बेस्ट है, ये नहीं बोलूंगा खराब है, बेस्ट है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि देखो साउथ कैंपस में भी आ जाता है, साउथ श्री अरविंदो कॉलेज, ठीक है, साउथ कैंपस में भी आ जाता है। और कैंपस भी एक तरह से मालवीय नगर में श्री अरविंदो कॉलेज है, और जस्ट अपोजिट उधर उस साइड बगल में, मतलब एक दो किलोमीटर के अंदर दो कॉलेज है हमारे, वोकेशनल कॉलेज और शहीद भगत सिंह कॉलेज है। तो भाई मेरे हिसाब से देखो, अगर मेरी किस्मत ऐसे थी उसके अंदर, मैं तुम्हें बोला किस्मत का भी गेम है भाई, तो भाई अगर तुम प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी भरते हो तो प्रेफरेंस लिस्ट का भी गेम है। अगर तुम्हारा तुम जानते हो तुम्हें एडमिशन अगर तुम्हारे 650 से ज्यादा है ना भाई, तुम नॉर्थ कैंपस भरो पहले पे, ठीक है, नॉर्थ कैंपस भर दो पहले पे, तुम नॉर्थ कैंपस की लाइन लगा लो, ठीक है, और 650 आया तो पक्का कर लो। अब जैसे मेरा दोस्त है पुलकित है, ठीक है, उसके आए थे 640 के करीब आए थे, ठीक है, उसके 630-640 के करीब आए थे। उसने ऑफ कैंपस सबसे पहले भर दिया, उसने ऑफ कैंपस सबसे पहले भर दिया उसने उसका आया अपना ये कॉलेज, ये नहीं है देशबंधु कॉलेज, अपना देशबंधु कॉलेज आया ऑफ कैंपस के अंदर, उसने 640 आए थे, उसने ऑफ कैंपस पहले नंबर पे भरा था देशबंधु कॉलेज, और उसका देशबंधु कॉलेज पहले ही कट ऑफ में आ गया, पहले कट ऑफ। और देशबंधु कॉलेज कसम से बहुत जेन्युइन कॉलेज है, मतलब NRF रैंक भी उसकी अच्छी है, रैंक वैंक सब अच्छी है। तो भाई मैं तुमसे एक ही बोलूंगा कि मेरा देखो, जैसे मेरा था कि मेरे को नॉर्थ कैंपस चाहिए था, मेरे को ऐसा था, इसलिए मैं नॉर्थ कैंपस सारा पहले धर दिया सारा प्रोफेलिस्ट में, इसलिए आया नहीं वो, लेकिन आखिरी में आना था तो साउथ कैंपस के अंदर आ गया, ठीक है, साउथ कैंपस के अंदर आ गया, नॉर्थ का सोच रहा था तो साउथ में आ गया। और जिसका भाई सबसे कम स्कोर है, मान लो सबसे कम भाई, वो ऑफ कैंपस ही भरो, ठीक है। और एक बार डिस्टेंस देख लेना कॉलेज का कि कितना दूर है भाई, मतलब पता चला कि तुम रहते हो नॉर्थ में, तुम्हें जाना पड़ रहा साउथ में, ठीक है, तुम रहते हो साउथ में, तुम्हें आ रहा है नॉर्थ में, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो डिस्टेंस भी मायने करता है भाई, अब थक जाओगे, अब कॉलेज जा रहे हो थक जा रहे हो पहले जाने से पहले, कोई बात हुई तो पहले तुम सब देख लेना, सारी चीजें देख लेना, ठीक है। और भाई माफ करना कि वीडियो नहीं आ रही थी कॉलेज की, मैं कॉलेज का सोचा था वीडियो डालूंगा लेकिन डाल नहीं पा रहा था, सॉरी, माफ करना उसके लिए। और अभी भी देख रहा हूँ कुछ आवाजें आ रही है, क्योंकि ना शादी का माहौल है घर में, उसलिए आवाजें आ रही है, इसलिए मैं सोचा वीडियो बनाना है। सृष्टि, तो शादी का माहौल है इसलिए देख रहा हूँ, तो मैं कर नहीं पा रहा कुछ। बाकी यार मैं जितनी कोशिश करूंगा तुम हेल्प कर सको, मतलब अगर तुम्हें मदद चाहिए तुम इंस्टा पे पूछ सकते हो कुछ भी सवाल, तुम्हें प्रोफाइल लिस्ट चाहिए तुम अपना स्कोर भेज सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तुम राय साहब इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, RaySaab007, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भाई को अगर प्यार करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बाय। और कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो मेरी तरफ से भाई मैं तुम्हारी ऑन द मस्त, तू भाई जिससे हेल्प होगी भाई सब करेंगे, ठीक है, तो कर देना, ठीक है, फॉलो वॉलो लाइक वाइक कमेंट फॉलो कर देना, सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, देखो सब पसीन, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।